आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। दो दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विभिन्न कार्यक्रम में किया प्रतिभाग, गुरुवार को मऊ के लिए करेंगे प्रस्थान। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ महाराज व राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज की पुण्य स्मृति में संगीतमय श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का हुआ विधिवत शुभारंभ। मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने कहा, मानवता का दिग्दर्शन है श्री राम का जीवन, श्री राम ही है साक्षात धर्म, उनके चरित्र से मिलती है विषम परिस्थितियों में जूझने की प्रेरणा। जिसने भी सुनी श्री राम कथा दूर हुई उसके जीवन की व्यथा। गोरखनाथ ओवर ब्रिज पर मंगलवार की देर रात्रि बेकाबू कार ने फुटपाथ पर सो रहे 3 मजदूरों को कुचला, 2 मजदूरों की हुई मौत। पुलिस कार सहित 4 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर कर रही है आगे की विधिक कार्यवाही। महावीर छपरा में कूड़ा बीनने वाली ने स्कूल जाने वाली बच्ची को टॉफी देकर चुराने का किया प्रयास। बच्ची के रोने पर गांव वालों ने 3 अभियुक्तों को पकड़कर जमकर पीटा, फिर पुलिस को किया सुपुर्द। एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, मुकदमा पंजीकृत कर की जा रही है विधिक कार्यवाही। कूड़ा जलाने को लेकर व्यक्ति की लाठी से पीट पीट कर हुई हत्या। मामला शाहपुर थाना क्षेत्र का। आरोपी अभियुक्त को शाहपुर थाने के पुलिस हिरासत में लेकर कर रही है आगे की विधिक कार्यवाही। ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव सहित अन्य अधिकारियों के साथ प्रदेश के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के निदेशक अनुज कुमार झा ने की बैठक। सामुदायिक शौचालय पंचायत भवन के कार्यों की समीक्षा। कार्यों को समय से पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिया निर्देश। गोवध के अभियोग में वांछित व 20,000 रुपए के इनाम या 2 अभियुक्तों को चिलवाताल और स्वात टीम की पुलिस ने किया गिरफ्तार। कब्जे से 1 अवैध तमंचा, चोरी की मोटरसाइकिल व कारतूस किया बरामद। एसपी नॉर्थ ने दी जानकारी। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने महानगर में जटेपुर पुलिस चौकी से कचहरी चौराहे तक किया पैदल गश्त, लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। कहा, किसी भी तरह की समस्या होने पर डायल 112 पर तुरंत दे सूचना की जाएगी मदद। और गोरखनाथ मंदिर में युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ महाराज की 53वीं एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज की 8वीं पुण्यतिथि समारोह के अंतर्गत कथा व्यास जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्रीधराचार्य ने श्री राम कथा का भारतीय सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में किया तात्विक विवेचन। सीएम योगी ने भी किया कथा का रसपान। कहा, लोक कल्याण के लिए होता है परमात्मा का प्राकट्य, जबकि अन्य जीवों का जन्म होता है अपने कर्मों का भोग करने व अपना उद्धार करने के लिए।